100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। और जी हाँ, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हुआ है 11:10 और 27 सेकंड। जी हाँ श्रोताओं, ये समय है आपके पसंदीदा प्रोग्राम रंग तरंग का। और आज के जो गजलों का रंग है, उनमें जो तरंग है वो आपके दिल को छूने वाली है, क्योंकि कुछ यादें जो आपने कभी समेटी हो या आप समेट रहे हो कुछ खतों की शक्लों में, तो कुछ ऐसा ही एहसास, कुछ ऐसा ही दिल का हाल बयां करेंगी आज की रंग तरंगी खूबसूरत गजलें। सुन रहे हैं आप रंग तरंग मेरे यानी रोहिणी के साथ। दोस्तों, जिंदगी हकीकत और कुछ है और ख्वाबों ख्यालों में कुछ और है। और जहन में आए ख्यालों को जब शब्दों के ताने बाने में बुनकर आप किसी तरीके से एक खत की शक्ल में उतारते हैं ना, तो वाकई में जिससे आप ये साझा करते हैं वो जिंदगी का कुछ एक अलग ही अनुभव होता है। और ये अनुभव यादों में इतनी गहरी छाप छोड़ता है कि परसों आपके साथ चलता चला जाता है। बड़े ही खूबसूरत अल्फाज कुछ शायरों ने, कुछ लेखकों ने लिखे हैं और कुछ यूं बयां किए हैं। वो जो खत तुमने लिखा था मुझको, वो जो खत तुमने लिखा था मुझको, बसा के दिल के चमन में बहार की तरह। खत में मोहब्बत की खुशबू महक रही है चंदन की तरह। जी हाँ दोस्तों, खतों में जब बसी हुई यादों की महक, तो वो बरसों बरसों ताजा बनी रहती है। जब भी आप उसे, उस खत को खोल कर देखें, तो वो याद बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही महकते हुए, चहकते हुए ताजा हो जाती है। आज का खूबसूरत अंदाज रंग तरंग का, आइए आगाज करते हैं इस प्यारी सी आवाज के साथ जो कि है पंकज उदास की। और जो गजल है वो है बड़ी ही प्यारी सी। चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, वो परदेश को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए बाग की कलियां, कहते हैं
छोटी गोली पीपल सुना पनघट सुना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी साखी तेरा ना रह गया बाकी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है खेल भी अब तो बोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का हाल बुरा है तेरी बीवी करती है सूरत से लगती है बेवा तूने पैसा बहुत कमाया इस पैसे ने देश छुड़ाया देश पराया छोड़ के आ जा पंछी पिंजरा चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को या वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी रंग तरंग और खूबसूरत गजलों का साथ गीतों का साथ आप तक बना रहेगा और अंदाज रहेगा आज कुछ खतों का खत लिख के आप डाक के पहुंचेंगे यार को खत लिख के आज डाक के पहुंचेंगे यार को पहुंचाएगा हमारा पयाम सलाम खत आगा निसार हुई ये इनाम दीजिए आया है उनका कासिद सरसर खराम खत जी हाँ एक और अगली गजल आप तक पहुंच रही है और वही अंदाज खत से महकती हुई
का जवाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया। यूं मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया। यूं मेरे खत का जवाब आया। बिखरी है उसकी खुशबू, हवा में बिखरी है उसकी खुशबू, है उसकी खुशबू। जरूर उसका आदाब आया, जरूर उसका आदाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया। जाए ये दिल हमारा, बहक न जाए ये दिल हमारा, ये दिल हमारा। गजब का उस पे शबाब आया, गजब का उस पे जवाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया। हंसी है दुनिया में कौन सबसे, है कौन सबसे। तो नाम उसका जनाब आया, तो नाम उसका जनाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया। यूं मेरे खत का जवाब आया, यूं मेरे खत का जवाब आया।
की बहुत ही खूबसूरत एक शक्ल होती है जो यादों में तो बसी ही होती है, लेकिन उसके जो अल्फाज होते हैं, उसके जो लिखे एहसास होते हैं, वो हमारी यादों में, हमारे जहन में कहीं ना कहीं बड़ी ही खूबसूरत यादें बना जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कैसे मानूं कि उन्हें भूल गया तो ए कैफ, कैसे मानूं कि उन्हें भूल गया तो ए कैफ, उनके खत आज हमें तेरे सिर हाने से मिले। आइए अगली गजल सुनते हैं जगजीत सिंह साहब की खूबसूरत आवाज में। हवाओं का रुख दिखा रहा
वाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है।
कुछ अल्फाज खामोश होकर भी अपनी बात का असर रखते हैं। कुछ खत लोग यूं भी लिखा करते हैं। कोई संदेश हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हाथ कहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां
जहां तुम चली गई, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चली गई। This is Akashvani. In the program Spotlight, now. सौदशमला वेक मेगाहर्ट्ज AIR का FM गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं रंग तरंग। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं जिसे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम रंग तरंग। और अगली गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज में आप तक पहुंच रही है। खतों की बेहद प्यारी सी खुशबू लिए पुराने जमाने में से आज खत कुछ बेजान निकले और कुछ ना निकले हाय जले हुए कुछ अरमान निकले। कई बार जिंदगी के अनुभव दोस्तों कुछ इसी अंदाज में हुआ करते हैं और आपकी जहन पर बड़ी गहरी छाप भी छोड़ जाते हैं। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे
खत में जलाता कैसे, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिने ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में भसे खत मैं जलाता कैसे, जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम जुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। बड़ी ही खूबसूरत गजल है जगजीत साहब की आवाज में, तो आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गजल। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,
मैं परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करें कोशिश खोलने में वक्त तो लगता है। लाख करें कोशिश खुलने वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन हमने इलाजे, जख्म दिल तो ढूंढ लिया लेकिन गहरे जख्मों को भरने वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। को खूबसूरत शक्ल देते वो अल्फाज, वो एहसास, वो जज्बात। तेरे खातों में बसी है मेरी जिंदगी, एक एक लफ्ज याद है
मुझे बचपन की तरह गीत मोहब्बत के सब गुनगुनाते हैं, मगर मेरे लबों पर तेरे खत रहते हैं सरगम की तरह। जी हाँ दोस्तों, आज के रंग तरंग की आखिरी गजल आपकी नजर करते हैं और मैं रोहिणी आपसे लूंगी विदा। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का कूल चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये खूबसूरत सी आवाज गुलाम अली साहब की। This is Akashvani, the news read by Aprajita.